तो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है तो ये वीडियो खासकर आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ अमेजिंग स्क्रीन रिकॉर्डर बताऊंगा जिनके फीचर्स बहुत ही मज़े के हैं और बहुत ही कमाल के वो एप्लीकेशन हैं। तो अगर आप उन एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है तैमूर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डीजी मलिक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अमेजिंग स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में। तो सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डर का नाम है एक्स रिकॉर्डर। इसको आप प्ले स्टोर से भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्ले ऐप स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसको थोड़ा सा ओवरव्यू है वो भी आप देख लें। तो एक्स रिकॉर्डर को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद अपने इसको ओपन कर लेना है। बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, 100 मिलियन प्लस इसके डाउनलोडर हैं। तो इसको अपने डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। तो ये देखें, डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। तो आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अलाउ कर देना अपने ऑप्शन, यहाँ से डिस्प्ले ओवर पर आप ये देखें, आपने यहाँ से अलाउ कर देना है। लॉक करने के बाद ये देखिए, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये देखें, तो ये स्टार्ट हो गया। ये देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डर आपके सामने ये काम कर रहा है। ये देखिए, ऊपर से स्क्रीन रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है। तो यहाँ से प्लस का ये देखें, स्क्रीन रिकॉर्डर पर आप क्लिक करके ये देखिए, मैंने अब ये स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने ओपन ऑन किया हुआ है। एक्स रिकॉर्डर जो कि मैंने डाउनलोड किया है, उस पर मैं अब स्क्रीन अपनी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके, ये देखें, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये अब इसके ड्राइंग वगैरह भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप कोई भी ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं। कोई भी फीचर्स आपने इसको किसी को बताना है तो इसकी मदद से आप ड्राइंग वगैरह भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे। इसको आप यहाँ से इस बार वहीं से आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ड्राइंग पे दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको तीर एरर वगैरह का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एरर का भी आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। किसी को बताने के लिए आप इसकी एरर की मदद से आप वो चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह के कुछ अमेजिंग फीचर्स आपको यहाँ इस स्क्रीन रिकॉर्डर में मिल जाएंगे। तो इसको आपने यहाँ से बंद भी कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी सेटिंग पर जाएंगे तो सेटिंग में आपको ऑडियो सेटिंग सबसे पहले मिलेगी। तो म्यूट माइक अपने म्यूट कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनल ऑडियो, इसमें आप एक्सटर्नल ऑडियो इसमें आप सेव वगैरह कर सकते हैं। माइक्रोफोन की वॉल्यूम वगैरह को आप बड़ा या कम कर सकते हैं। उसके बाद नॉइस रिडक्शन भी आप इसकी ख़त्म कर सकते हैं। नॉइस की आप इस पर क्लिक कर देंगे तो नॉइस आपकी वॉइस में जो से आएगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा आपको सेकंड आपको ऑप्शन मिल रहा है वीडियो सेटिंग का। वीडियो सेटिंग में आप 1080 में भी इसको आप सेव कर सकते हैं, यानी कि रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा आप 720 में भी इसको पिक्सल में आप इसको रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हैं। क्वालिटी में आप इसमें क्वालिटी भी देख सकते हैं। ये देखें, 16 MB/s इसकी तमाम क्वालिटीज़ वगैरह आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आपको FPS भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये आप 60 FPS में आप इसको सेव कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप 9P में भी सेव कर सकते हैं, उसके लिए आपको इसको परचेज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप 60 FPS में भी इसको ईजी से रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छी क्वालिटीज़ में मिल जाएगी। उसके बाद आप थर्ड ऑप्शन पे आपको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में वगैरह में भी आप इसको सेव वगैरह कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद सेव लोकेशन का आप यहां से सेव लोकेशन आप उसकी बता सकते हैं, आप किस में आप अपनी सेविंग वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद वॉइस वीडियो सेगमेंट साइज़ भी आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं, कितनी उसमें आप हाई से हाई क्वालिटी में आप इसको सेव कर सकते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको तमाम फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। टच से शो टच ये आप देख सकते हैं, ये सब तमाम चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट स्क्रीन रिकॉर्डर का नाम है एजी रिकॉर्डर। इसको भी आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप आईफोन में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है।
तो एजी स्क्रीन रिकॉर्डर को भी डाउनलोड करने के बाद आपने इसको प्ले स्टोर से आसान डाउनलोड कर लेना है, यानी कि ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपसे ये परमिशन मांगेगा, तो यहाँ से इसको आपने अलाउ कर देना है। इसके साथ उसके बाद आपके सामने ये देखें, आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डर आ गया। तो यहाँ से आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से यानी कि स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको तमाम यहाँ से सेटिंग्स से भी आपको तमाम चीज़ें वगैरह मिल जाएंगी। रेजोल्यूशन आपको 720 से लेकर 1600 में आपको मिल रही है, उसके बाद 1080 से लेकर 2400 में भी आप इसको बना सकते हैं, अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद बिटरेट आपको मिल जाएगा हाई क्वालिटी में, आप 12 MB/s कर सकते हैं। उसके बाद 8 MB/s भी आप इसको सेव वगैरह यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेम रेट भी आपको मिल जाएगा 60 में, आप इसको 60 FPS में इसको आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपने पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में उसका करनी है, वो भी आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड ऑडियो रिकॉर्ड के लिए आपने अनेबल इसको कर देना है, माइक्रोफोन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो माइक्रोफोन के लिए भी आपने इसने सेव कर देना है। तो फिक्स स्क्रीन रिकॉर्डर के लिए आप इसने फिक्स स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो उसके अलावा आपको तमाम फीचर्स नीचे से मिल जाएंगे, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी तमाम रिकॉर्डिंग को यूज चला सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर का नाम है स्क्रीन रिकॉर्डर, इसको भी आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आईफोन में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। तो स्क्रीन रिकॉर्डर या विडमो रिकॉर्डर को डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद तमाम स्क्रीन रिकॉर्डर की तरह आपने भी इसको अलाउ का परमिशन देनी है। उसके बाद यहाँ से आपने इसको अलाउ कर देना है। ये देखें, यहाँ से आपके तमाम आपके सामने इसकी फीचर्स वगैरह आ रहे हैं वीडियो MP3 में। उसके बाद सेटिंग में अगर आप चाहेंगे तो सेटिंग में आपको ऑडियो सेटिंग आपको मिल जाएगी। ऑडियो सेटिंग में भी आप इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करने चाहते हैं, ऐप साउंड इज रिकॉर्डिंग अगर आप एक्सटर्नल या इंटरनल रिकॉर्डिंग वगैरह करना चाहते हैं, आप अपनी आवाज़ भी साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके एप्लीकेशन की जो सी आवाज़ है वो भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वीडियो सेटिंग पर जाएंगे तो वीडियो सेटिंग में आपके सबसे पहले आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगी। तो रेजोल्यूशन के लिए आप इसमें 720 पिक्सल पर सिर्फ इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1080 में आपको करने के लिए आप इसको आपको यानी कि यहाँ से इसे फ्री में आपको वीडियोस वगैरह या प्ले करके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, ऐड वगैरह वॉच करके आप इसको परचेज़ वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा क्वालिटी में आप जाएंगे तो क्वालिटी में आपको क्वालिटी ऑटो क्वालिटी मिल जाएगी, एक्सीलेंट क्वालिटी मिल जाएगी, हाई क्वालिटी मिल जाएगी, स्टैंडर्ड क्वालिटी मिल जाएगी, उसके बाद लो क्वालिटी मिल जाएगी। उसके बाद FPS में अगर आप चाहेंगे तो 90 FPS या 120 FPS में भी आप इसको सेव कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप 60 FPS में भी इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वाटरमार्क आप इसका रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका वाटरमार्क भी रिमूव कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको इसको परचेज़ करना पड़ेगा। उसके बाद लैंडस्केप के लिए ये तमाम फीचर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। टाइमर आप सेट कर सकते हैं, कितने टाइम के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो वो भी आप यहाँ से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद टच शो टच से वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं कि टच वगैरह शो हो कि नहीं। उसके बाद आप ब्रशेज़ वगैरह भी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद फेस स्कैन भी आप इसको ऑन कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा अगर आप यहाँ से वीडियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी।
तो ये मैं यहाँ पे जो स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने किया है उसकी मैं रिकॉर्डिंग उस पर कर रहा हूँ। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ से आप इसकी आप इसमें पिक्स वगैरह सेव कर सकते हैं, यानी कि पिक्स वगैरह आप इसकी ले सकते हैं। दोस्तों ये है आज के अमेजिंग स्क्रीन रिकॉर्डर। तो अगर आपका भी यूट्यूब का चैनल है और आपको भी स्क्रीन रिकॉर्डर की ज़रूरत पड़ती है तो आप इन स्क्रीन रिकॉर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो सभी लाइक कर दें और इस तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।